फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप किचन में अपने किचन के शेल्फ के अंदर अपने होब को, जो कि गैस चूल्हा होता है, उसको अगर आप शेल्फ के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं, मतलब आप इसको, जो ये हमारा चूल्हा है, इसको अगर हम इसके शेल्फ के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो इसको किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, इसका खांचा किस तरीके से निकालना है, आपको पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी प्रकार के कारपेंट्री वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख लेते हैं हमारे चूल्हे को। ये हमारा जो स्लीक कंपनी का चूल्हा है, ये होबटॉप मॉडल है। ये आप इसको, अगर आप इसको शेल्फ के ऊपर रखना चाहते हो तो इस तरीके से ऊपर भी रख सकते हो। अगर आपको इसको शेल्फ के अंदर फिट करना चाहते हो तो आप इसको फिट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें ये तीन बर्नर वाला चूल्हा है। इसमें हमको क्या करना होता है, इसमें चौड़ाई और लंबाई का नाप लेकर के, इस वाली और यहाँ से यहाँ तक नाप लेकर के हमें अपने जो काउंटर है, काउंटर के अंदर इस तरीके से खांचा निकाल लेना होता है। हमने इसमें काउंटर के अंदर खांचा निकाल ले रखा है। ये जो खांचा है, ये हमारी जो कटलरी है, कटलरी के जस्ट ऊपर वाला खांचा है। हमें कटलरी के ऊपर निकालना होता है। इसमें जब हम चूल्हे को फिट करेंगे, पौना इंच का ये पत्थर आ जाएगा और पौना इंच का ये बोर्ड आ जाएगा। जो हमारा चूल्हा है, वो चूल्हा को ये जितना एटम, ये वाली जो स्पेस है, ये दो बोर्ड के अंदर कवर हो जाएगी। तो इसमें जो कटलरी के लिए जो स्पेस है, अगर हम जो कोई भी सामान वगैरह रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो सामान है वो आपका वैसे का वैसे पड़ा रहेगा। इसमें ये चूल्हा है, जो हमारे इन दो वाले, ये डेढ़ इंच जगह है जो इसके अंदर ये कवर हो जाएगा। तो हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको इसके नीचे, जस्ट नीचे कटलरी लगा देनी है, और इसमें नीचे कोई भी बॉक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इसको ओपन इसी तरीके से रख सकते हो। फ्रेंड्स, हमने इसमें क्या करके, ये जो पाइप है पहले से इसके अंदर लगा रखी है नीचे। इसमें देख सकते हो, ये जो पाइप है हमने कनेक्शन कर रखा है अंदर पहले से ही। इसमें जो पाइप का कनेक्शन है, चूल्हे की पाइप के हिसाब से आप वो इसमें सेट कर लेना है। हमने इसमें सारा जो सेटिंग कर रखी है, अब हम इसके अंदर हमारे इस चूल्हे को इसके अंदर फिट करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा ये चूल्हा है, हमने इस तरीके से इसका खांचा पूरा निकाल रखा है। इसके अंदर हम इसको बस सीधा इसको रखना है। इसमें कुछ मॉडल हैं जो इसके अंदर जो डबल साइड टेप से इसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसमें ये वाला मॉडल है, इसमें कोई चिपकने वाला सिस्टम नहीं है, ये सीधा ही इसके ऊपर रखा जाएगा। आप इसको इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं आसानी से। नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, ये चूल्हे का ये वाला पॉइंट दे रखा है। इसमें पॉइंट में हमने इस पाइप को लगा करके टाइट कर देंगे, कि लीकेज वगैरह नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बाद में गैस लीकेज की इसमें दिक्कत हो सकती है। इसमें देख सकते हैं, जो हमारी ये जिसकी चौड़ाई है, जो चूल्हे की जो चौड़ाई है, बिल्कुल सेम है। इसमें जो ये हमारा जो चूल्हा है, वो इस सेल्फ के अंदर डेढ़ इंच के अंदर ही कवर हो गया है। इसमें जो नीचे कटलरी है, उसमें रखे सामान को, उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।